एवरीवन, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का पहला सप्लीमेंट्री या स्नैपशॉट बुक का चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो विलियम सोरेन का लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, द समर माने गर्मी का समय, ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स माने सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ, सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ एक गर्मी का दिन। ये चैप्टर जो है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़, ये स्टोरी जो है दो गरीब आर्मेनिया के लड़कों की है, हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो एक ट्राइब से संबंध रखते थे, हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनकी मुख्य पहचान की उनका ट्रस्ट, विश्वास और ईमानदारी था। तो हम लोग स्टोरी देखते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन पहले जब अच्छे दिन हुआ करते थे, When I was 9, जब मैं 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence, और संसार जो था हर प्रकार की काल्पनिक शानदार चीज़ों से भरा हुआ था, and life was still a delightful and mysterious dream, और जीवन मेरे लिए अब भी एक आनंददायक और रहस्यात्मक स्वप्न था, my cousin मुराद, मेरे चचेरे भाई मुराद, who was considered crazy by everybody, जिसे सभी लोग थोड़ा पागल समझते थे या सनकी समझते थे, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, इसको मेरे सिवाय सभी लोग जानते थे, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, एंड वोक अप मैंने मुझे जगा दिया, टैपिंग मैंने थपथपा करके, ऑन द विंडो मैंने खिड़की, अप रूम मैंने रूम की खिड़की को थपथपा कर मुझे जगा दिया। एरम ही सेड, एरम उसने कहा, आई जंप आउट ऑफ द बेड, मैं बिस्तर से कूद के नीचे आया, एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर देखने लगा, आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, जिस चीज़ को मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर सका, इट वॉज़ नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज़ ए समर, लेकिन ये गर्मी का समय था, एंड विद द डे ब्रिक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और सुबह जो थी वो होने में कुछ मिनट बाकी थे, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड मैंने संसार के कोने में, इट वॉज़ द लाइट इनफ फॉर मी, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त इतना प्रकाश था टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं जान सकता था कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा था। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था, आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो, मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आइज, और मैंने अपनी आँखों को मला, ये सी सेड इन आर्मेनियम, हाँ उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, इट इज़ ए हॉर्स, ये घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम स्वप्न नहीं देख रहे हो, मेक इट क्विक, जल्दी करो इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, यह तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़न मुराद इन्जॉयड बींग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, आई न्यू माई कज़न मुराद, मैं जानता था मेरा कज़न मुराद इन्जॉयड बींग लाइव, वो ज़्यादा जीवन तरीके से इन्जॉय करता है, मोर देन एनीबडी एल्स, बजाय किसी दूसरे के, हु हैड एवर फॉल इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, जो इस संसार में कोई गलती से पैदा हो गया हो, बट दिस वॉज मोर देन एवन आई कुड बिलीव, लेकिन यह कहीं मेरे लिए ज़्यादा चीज़ थी जिस पर मैं विश्वास कर सकूँ, इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान पर माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, मेरी जो प्रारंभिक स्मृति रहती थी वो केवल घोड़े के लिए रहती थी, एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और मेरी पहली इच्छा रहती थी, लॉन्गिंग माई इच्छा हैड बीन लॉन्गिंग टू द राइड, कि मैं घोड़े की सवारी करूँ, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट ऑफ लाइफ, ये मेरे जीवन का एक अद्भुत पार्ट था, इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी चीज़ जो मेरे जीवन में थी, वी वर पुअर, हम गरीब थे, दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव, और यही मेरे जीवन का वो हिस्सा था जो मुझे विश्वास करने के लिए आज्ञा नहीं दे रहा था, वाट आई सॉ, जो मैं देख रहा था, वी वर पुअर, हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारा पूरा जनजाति जो थी गरीबी से पीड़ित थी, एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, एवरी ब्रांच ऑफ गार्गोलियन फैमिली, प्रत्येक गार्गोलियन फैमिली की शाखा वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी, वो अत्यधिक आश्चर्यजनक और मनमौजी तरीके इस संसार में गरीबी में रहती थी, नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं समझ सकता था, वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ, कि हमारे पास पर्याप्त इतना पैसा भी नहीं मिलता था, टू कीप अस विथ फूड इन आवर बेलीज, कि अपने पेट के लिए हम लोग भोजन भी रख सकते, बेली मैंने पेट, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्ति भी परिवार के नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो, लेकिन यद्यपि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी,
वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, हम लोग ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एंड फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, करीबन 11वीं शताब्दी से। इवन वे वी हैड बीन अ वेल्थीएस्ट फैमिली, इवन वेन वी हैड बीन वेल्थीएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, यहाँ तक कि जो सबसे अमीर परिवार भी था, लाइक टू थिंक वॉज ऑफ द वर्ल्ड, वो इस संसार के बारे में नहीं सोच सकता था। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें पहले स्वाभिमान था, ऑनेस्टी नेक्स्ट, ईमानदारी दूसरे नंबर पे थी। एंड आफ्टर डेट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, इसके बाद हम लोग सही और गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, कोई भी इस संसार में किसी चीज़ का लाभ नहीं ले सकता था। लेट एलोन स्टील, चोरी करने की बात तो दूर थी। कॉन्सिक्वेंटली, मैंने परिणाम स्वरूप, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, मैं यद्यपि कि घोड़े को देख सका, सो मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, यहाँ तक कि मैं उसको गंध भी ले सकता था, सो लवली, वो उतना सुंदर था। इवन दो आई कुड हेयर इट ब्रीथिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी सांसों को भी सुन सकता था, सो एक्साइटिंग, जितना उत्साहित करती थी। आई कुड नॉट बिलीव दैट हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विथ माई कज़न मुराद, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़ा मेरे कज़न मुराद के साथ क्या कर रहा है। आर विथ मी, या मेरे साथ, आर विथ एनी वन ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ फैमिली, या हमारे किसी परिवार के दूसरे सदस्य के साथ। स्लीप आर अवेक, सोते समय या जागते समय। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं विश्वास करता था, मैं जानता था कि मेरा कज़न मुराद इस घोड़े को ख़रीद नहीं सकता है। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि उसको ख़रीद नहीं सकता है, इट मस्ट हैव स्टोन इट, तो इसका मतलब था उसने अवश्य इसे चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और इस चीज़ पे विश्वास करना मैंने मना कर दिया, ही हैड स्टोन इट, कि उसने इसको चुराया होगा। नो मेम्बर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गार्गोलियन फैमिली का कोई मेम्बर चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कज़न, मैंने एक बार एकटक तरीके से अपने कज़न को देखा। एंड देन एट द हॉर्स, तब मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, एक पवित्र शांति और व्यंग उनमें था, उन पर था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक और मुझे आनंदित कर रहा था। एंड अदर हैंड फ्राइटेड मी, और दूसरी मुझे डरा रहा था। मुराद आई सेड, मैंने कहा, मुराद वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, खिड़की के कूद कर बाहर आओ ही, उसने कहा। इफ यू वॉन्ट टू राइड, या तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, ये बात सही है कि उसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, क्योंकि उसने इसका उत्तर नहीं दिया, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड आर नॉट, वह मुझे आमंत्रित करने आया था कि मैं सवारी करूँ या नहीं, ऐसा ही जैसे कि मैं इसका चयन कर सकूँ। वेल ठीक है, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि घोड़े को चुराना और उसकी सवारी करना इस प्रकार की चोरी नहीं जैसे दूसरी चोरी होती हैं, सच एस मनी, जैसे कि पैसे चुराना। फॉर ऑल आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, मे बी इट वॉज स्टीलिंग एट ऑल, हो सकता है ये चोरी हो। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट द हॉर्स द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, जैसा कि मेरा कज़न मुराद और मैं कर रहा था। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं कही जाएगी जब तक हम उस घोड़े को बेच न दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जिसको वास्तव में जानता था कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन द सम क्लॉथ, मुझे कुछ कपड़े पहन लेने दो, आई सेड, मैंने कहा। ऑल राइट, ठीक है ही सेड, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन द यार्ड, मैं कूद कर ये आंगन में आया। फ्रॉम द विंडो, मैंने खिड़की से। एंड लिव्ड अप इन टू द हॉर्स, और घोड़े पर उछल कर चढ़ गया। बिहाइंड माई कज़न मुराद, अपने कज़न मुराद के पीछे। तो इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में।